हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सेविंग क्लासेस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हाई नेक कॉलर की कटिंग लेकर आई हूँ, हाई नेक कॉलर ब्लाउज की कटिंग लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, जिसे आप कुर्ती और ब्लाउज दोनों में बना सकते हैं। बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है और इसका जो लुक आता है बिल्कुल कॉलर वाला लुक आता है। इसलिए आज मैंने आपके लिए इसकी कटिंग का वीडियो तैयार किया है, जिसे आप देखें और उसे फॉलो करें और उसे बनाने की प्रैक्टिस करें। देखिए, जो ये हमारी हाई नेक कॉलर, इसे हल्टर कॉलर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कॉलर बनाने में थोड़ा सा टफ, इसका मेथड थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन मैंने इसे इस वीडियो को जब तैयार किया तो मैंने आपके लिए बहुत इजी वे में तैयार किया है, ताकि आप इसे आसानी से काट सके और आपको जो इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। और जो मैं छोटे छोटे टिप्स आपको बीच बीच में दूंगी, आपको वो बहुत मदद करेंगे इसको स्टिच करने में और इसको बनाने में। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती। देखिए, ये हमारा अस्तर वाला पीस है और ये हमारा मेन कपड़ा है, तो हम आपको पहले अस्तर पे कटिंग बताएंगे, उसके बाद हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो पहले अस्तर पे कटिंग करने के लिए स्क्रीन पर से आप नाप को नोट कर लीजिए, जो कि 14 लंबाई का ब्लाउज है हमारा, 36 हमारा सीना है और 30 हमारी उसमें कमर है, और शोल्डर यहाँ पे हमारा 15 इंच का है। देखिए, हमारा ये 14 लंबाई का ब्लाउज है, जो कि हमने 1 इंच बढ़ाकर रखा है। फ्रंट पार्ट हम कटिंग कर रहे हैं, बैक पार्ट अभी कटिंग नहीं कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए हमने यहाँ पे 1 इंच बढ़ा दिया है। जो हमारा कॉलर का जो शोल्डर है वो 15 इंच का है, तो हम यहाँ पर 15 का आधा करेंगे, तो हमने कितने इंच पर लिया, 7.5 इंच पर लेंगे हम। देखिए, पूरा ही हम यहाँ पे 7.5 इंच का ले रहे हैं, और देखिए जो ये हमारा आर्म होल है वो लगभग 8 इंच पर हम लेंगे, लगभग इसको ये देखिए 8 इंच पर, 1.5 से 2 इंच पर हम इसका कोने का आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे, ये आर्म होल की गोलाई का निशान हमारा। सीने का जो भाग है हमारा वो कितने इंच का रहेगा, यहाँ पे 36 इंच का हमारा सीना है, तो हम 0.5 इंच बढ़ाकर लेंगे, 9.5 इंच पर कटिंग करेंगे, और 1.5 इंच का हमारा मार्जिन का भाग आएगा। कमर हमारी यहाँ पे 30 इंच की है, 1.5 इंच का हम टक्स डालेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच की हमारी चौड़ाई आएगी, 0.5 इंच हम लूजिंग का लेंगे, लगभग 9.5 इंच पर हम कमर की कटिंग करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का ले लेंगे। दोनों निशानों को हम इस प्रकार से मिला देंगे। देखिए, ये आगे वाला भाग है, इसे आप चाहे तो 4 टक्स में बनाइए, चाहे कटोरी में बनाइए, चाहे आप इसे प्रिंसेस कट में बनाइए। ये आज मैंने आपको प्रिंसेस कट में कटिंग बताई है, आने वाले वीडियो में मैं आपको कटोरी वाले में और 4 टक्स वाले में भी हाई नेक कॉलर की कटिंग बताऊंगी। तो इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी इन वीडियो को देख सके। देखिए, अब हमारा गले वाला भाग आता है, लगभग देखिए यहाँ पर हम 3 इंच पर लगभग हम गले की कटिंग करेंगे। देखिए, जो हमने गले की चौड़ाई ली है वो लगभग 3 इंच पर ली है, और ये देखिए हमारा आगे का भाग है, तो आगे के भाग का हमको गला कितना रखना है, लगभग 7 इंच पर रखना है। तो देखिए, मैं ये 7 इंच पर गले की गोलाई का निशान लगाऊंगी। गले की गोलाई का निशान आप आपके हिसाब से भी लगा सकते हैं, गले का कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इस टाइप से भी गले का शेप चेंज कर सकते हैं। देखिए, इस टाइप से भी, क्योंकि इस टाइप के जब कॉलर वाले गले हम बनाते हैं तो बनने के बाद ये गले बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा कितना इंच आया, हमने लगभग 3 इंच पर गले की चौड़ाई को लिया है। देखिए, अब आपको जो ध्यान रखना है, ये आपने गले की कटिंग कर दी, नीचे देखिए प्रिंसेस कट के लिए हम 3.5 इंच पर टक्स का निशान लगाएंगे, ये हमने 3.5 पर टक्स का निशान लगाया, 1.5 इंच पर हमने टक्स की चौड़ाई का निशान लगाया, लगभग 5 से 5.5 इंच तक हम सीधा निशान लेंगे, ये हमने सीधा निशान लिया है यहाँ पे, और इसको प्रिंसेस कट में मिला देंगे इस प्रकार से। ये हमने प्रिंसेस कट में मिलाया, लगभग 2.5 इंच पर हमें टक्स को बिल्कुल सीधा रखना है, क्योंकि हम देखिए इस टक्स को सीधा इसीलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारी कमर की फिटिंग आती है वो सीधा सल रखेंगे तो कमर में बिल्कुल बेल्ट का काम करता है और फिटिंग इसकी बहुत ही अच्छी आती है। और उसके बाद हम टक्स को इस प्रकार से गोलाई में मिला देंगे इस प्रकार से। ये हुआ हमारा प्रिंसेस कट की कटिंग। अब देखिए, इतना ब्लाउज आपको कंप्लीट करने के बाद में एक चीज का ध्यान रखना है, अब आपको हाई नेक कॉलर के लिए क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। देखिए, हाई नेक कॉलर के लिए जब आपने इतना ब्लाउज कंप्लीट कर लिया तो आपको उसके बाद में देखिए लगभग 4 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है। देखिए, ये 4 इंच ऊपर मैंने यहाँ पे निशान लगाया,
ये बिल्कुल इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। देखिए ये लगभग हमने 4 इंच ऊपर निशान लगा लिया। देखिए मैं लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 4 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया, उसके बाद में ये 4 इंच पर हम बिल्कुल सीधा गले को मिला देंगे। और कॉलर की चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, लगभग देखिए हम यहाँ पे जो कॉलर की चौड़ाई रखेंगे वो 1.5 इंच की रखेंगे। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आप कॉलर 1.5 इंच का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसे बिल्कुल ध्यान रखिए। आप ब्लाउज कटिंग कर लेंगे, जो हाईनेक कॉलर कटिंग करने का मेन पार्ट है वो ये है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझिए। जब आप कॉलर वाले भाग को कटिंग करेंगे तो आपको पूरा ब्लाउज कटिंग करने के बाद 4 इंच ऊपर की तरफ पट्टी को कट करना है। उसके बाद में कॉलर की चौड़ाई आपको कितनी रखनी है, देखिए मुझे यहाँ पे कॉलर की चौड़ाई लगभग 1.5 इंच की रखनी है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। इस प्रकार से मैं 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और सीधा निशान लगाऊंगी। उसके बाद में जब आप पट्टी को कटिंग करेंगे वो भी आपको कितने इंच पर कटिंग करनी है, 1.5 इंच पर, ताकि जो गले का शेप आपका कॉलर से मिले तो वो बिल्कुल मैच रहे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो आपको ब्लाउज की कटिंग हुई, ये आपकी कौन सी कटिंग हो गई, ये हाईनेक कॉलर की कटिंग कर दी है हमने। उसके बाद अब मैं आपको बैक पार्ट कटिंग करना बताती हूँ ताकि आपको इसका जॉइंट समझ में आए। देखिए अब यहाँ पर हम बंद भाग में इसका बैक पार्ट निकालेंगे। तो बैक पार्ट निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से कॉलर का निशान लगाना है। सबसे पहले हम शोल्डर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमारे पास यहाँ पे 7.5 इंच है। आर्म होल की जो गोलाई हम लेंगे वो लगभग 8 इंच पर लेंगे, या 8 इंच पे निशान लगाया। 1.5 इंच पर हम यहाँ पे ये कोना बना देंगे और लगभग 1 इंच पर हम आर्म होल की कटिंग लेंगे। देखिए किस प्रकार से लेंगे हम कटिंग, ये देखिए, देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपको लगभग 1.5 से 1.75 इंच पर कटिंग करना है। ये देखिए इस प्रकार से आपको निशान लगाना है। ये अंदर वाला भाग नहीं है, अंदर वाले भाग की कटिंग हमें आगे वाले भाग में करनी है। इस प्रकार से आपको कटिंग करनी है। पीछे हमने आगे की तरफ हमने गले की चौड़ाई 3 इंच की ली है, तो पीछे भी हमें लगभग 3 इंच की गले की चौड़ाई लेनी है। और बिल्कुल मामूली सा आपको 0.5 इंच इसको कटिंग करना है, आपको कटिंग ज्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल 0.5 इंच कटिंग करिए। अगर आप कटिंग नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो पट्टी है वो बहुत ही व्यवस्थित इस पर बैठेगी। देखिए अब यहाँ पर आपको चौड़ाई का निशान लगाना है, सीने की चौड़ाई का निशान 9.5 पर, 1.5 इंच आपका मार्जिन का निशान। ये जो हमारा सीने वाला भाग है वो लगभग 9.5 इंच पर इसकी फिटिंग का निशान आएगा और 1.5 इंच मार्जिन का निशान। कमर की जो चौड़ाई है हमारी वो 30 इंच की है, तो 30 में हमने 30 का चौथा करेंगे तो 7.5, 7.5 में हम 1 इंच जोड़ेंगे तो 8.5, और 0.5 इंच हम लूजिंग की लेंगे क्योंकि हमारा ये बॉडी मेजरमेंट है, और 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3.5 इंच की दूरी पर टक्स का निशान लगाना है, और जो आपकी लंबाई का निशान आएगा वो लगभग 5.5 इंच पर आएगा। इस प्रकार से आपको बैक साइड तैयार करना है। अगर आप चाहें तो बैक साइड में जो हमारे ओपन वाले भाग चलते हैं वो भी आप डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल बनाना चाहें तो इसे पैक भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। स्लीव की कटिंग मैं आपको नहीं बता रही हूँ, स्लीव की कटिंग मैंने पहले भी कई बार बताई हुई है, आप स्लीव किसी भी प्रकार की अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। मैं इसको आपको अब इसे कट करके बताती हूँ। देखिए बैक पार्ट तो आपने नॉर्मल तरीके से काटा है, फ्रंट पार्ट को जब आप कटिंग करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिए किस प्रकार से कटिंग करना है। ये जो 4 इंच वाला भाग हमने ऊपर बढ़ा के लिया है, इसकी जो दूसरी वाली लाइन है वहां से हमें इसे कट करना है। देखिए इस प्रकार से ये कट होगा, यहाँ पे शोल्डर पर जाएगा, यहाँ पे हम आर्म होल पे इसे कटिंग करेंगे और साइड की सिलाई पे। ये इस प्रकार से कटिंग होने के बाद में अब ये अंदर वाला गले का शेप हमारा कटेगा। देखिए इस प्रकार से कटेगा, ये मैंने गले के शेप को गोल ना लेकर थोड़ा सा चेंज किया है, आप भी आपके हिसाब से डिजाइन देखकर चेंज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की जो गले की कटिंग है वो हमारी कुछ इस प्रकार की होगी। गले की कटिंग करते वक्त आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके गले को आपको यहाँ से नहीं काटना है, जो पट्टी हमने 1.5 इंच के लिए कॉलर के लिए उस पट्टी को हमें सेपरेट रखना है और गले के भाग को उसके बाद अलग करना है। ऐसा नहीं कि आप शोल्डर से अलग कर ले और फिर पट्टी लगाने में आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए पट्टी में ज्वाइंट आपका नहीं आना चाहिए। यही हाईनेक कॉलर की स्पेशलिटी होती है कि आपकी पट्टी के अंदर ज्वाइंट नहीं आना चाहिए, और पट्टी में जो ज्वाइंट आता है वो बैक साइड में आता है, पीछे की तरफ, शोल्डर पे उसका कोई ज्वाइंट नहीं आएगा। अब हमारा प्रिंसेस कट वाला भाग हम कट करेंगे।
देखिए मैंने इसकी कटिंग आपको बता दी है, हाई नेक कॉलर की कटिंग को भी मैंने एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, प्रिंसेस कट की कटिंग भी मैंने आपको बताई है, बैक साइड कटिंग करना भी मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसे अस्तर पे रखकर कटिंग करना बताऊंगी और आने वाले वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग जरूर बताऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ये चीज छूट ना जाए। अब मैं आपको इसको कपड़े पे रखकर कटिंग करना बताती हूँ। देखिए इस प्रकार से हमने सभी पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हम इसे अस्तर पे डबल कर लेंगे। जो लोग हमसे इसकी स्टिचिंग सीखना चाहते हैं वो प्लीज इसको फॉलो कीजिए, इससे कटिंग कीजिए। इससे कटिंग करने के बाद में आप ऐसे के ऐसे सभी पीसेस को अस्तर पर अटैच कर लीजिए। मैं आपको इसकी स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इसे बनाने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।